नमस्कार, प्रकाशक के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये शाम ये काव्य गोष्ठी जो कि हर शनिवार की तरह आज भी हम साथ हैं, और ये शाम आज की नूतन सवेरा डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी अद्यतन कला संगम पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क और वाइट इंक एंटरटेनमेंट के सहयोग से संजोई गई है। और बहुत खास है आज की ये शाम, क्योंकि आप लोग के लिए भी खास है, क्योंकि आज एक कविता में संध्या आपके साथ गुजरने वाली है। मेरे लिए खास इस तरह से है कि मेरे साथ आज जो विशिष्ट अतिथि हैं, रचनाकार होते ही हैं विशिष्ट अतिथि, लेकिन आज अति विशिष्ट अतिथि हैं इस तरह से, क्योंकि उनके बारे में बहुत अरसे से सुना हुआ है, उनके बारे में किसी ऐसे शख्स से सुना हुआ है जो कि जिन्होंने कि खुद मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, और उनसे सुन सुन के कई दफा उन तक पहुंचने की कोशिश भी की है, और आज उस कोशिश में कामयाब हुई है। तो मेरे लिए कुछ खास बात है, खास शाम है। आज हमारे साथ हैं मंच पर, प्रकाशक के इस पटल पर, आदरणीय मशहूर कवयित्री ममता किरण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ममता जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी के बारे में एक छोटा सा परिचय, हालांकि मेरी धृष्टता ही कही जाएगी, लेकिन फिर भी एक बता देती हूँ जो यहाँ पर उपस्थित लोग हैं उनके लिए। आपका कविता संग्रह वृक्ष था हरा भरा वो अत्यंत प्रसिद्ध, और उसमें से कुछ ना कुछ कविताएं या हो सकता पूरा कविता संग्रह आप सबने कभी ना कभी पढ़ा ही हो, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो जल्दी प्रकाशक के वेबसाइट में आपको उसमें की कुछ कविताएं तो जरूर पढ़ने को मिलेंगी। ये ममता जी से मैं आग्रह कर रही हूँ। आंगन का शजर ये गजल संग्रह है, सुप्रसिद्ध कवित्री ममता किरण जी की कविताओं का पंजाबी, अंग्रेजी और उर्दू में अनुवाद हो चुका है, और कई सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा उनकी गजलों को गाया जा चुका है। प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में कई देशों में कविता पाठ उन्होंने किया है, और लाल किला कवि सम्मेलन समेत देश भर के अनेक कवि सम्मेलनों और मुशायरों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सवों में भागीदारी रही है। संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान सहित अनेक सम्मान, और दूरदर्शन के लिए लिखी हुई एक डॉक्यूमेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। एक राष्ट्रीय दैनिक में फीचर एडिटर और टीवी चैनलों में कार्य करने के पश्चात अब स्वतंत्र लेखन और रेडियो में समाचार वाचिका हैं। ममता जी का बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं आदरणीय वाजपेयी जी की तरफ बढ़ने से पहले बस आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि उस डॉक्यूमेंट्री का नाम भी बताइए, बता दें, जो दूरदर्शन के लिए आपकी लिखी जो डॉक्यूमेंट्री है उसका ये, नाम ये 8th पर थी और इसका नाम था आखिर क्यों। जी, तो बहुत प्रसन्नता हो रही है आपको आज इस पटल पर देखकर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज की शाम के जो दूसरे अत्यंत सम्मानित अतिथि हैं हमारे साथ, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर मैं वही दृष्टता दोहराने जा रही हूँ, आपका परिचय देने जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनको बताने के लिए मैं ये परिचय दे रही हूँ। प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में एक दर्जन से अधिक देशों में कविता पाठ आप कर चुके हैं। वेनेजुएला में विश्व कविता महोत्सव में भारत से एकमात्र कवि आपने भारत को का प्रतिनिधित्व किया है, और एक दर्जन देशी विदेशी भाषाओं में कविताओं का अनुवाद हुआ है। बच्चों के पाठ्यक्रम से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक कविताओं का अध्यापन आपने किया है। सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा गजलों का गायन हुआ है, और लंदन में अंतरराष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान सहित दर्जनों सम्मानों से विभूषित हो चुके हैं।
आदरणीय वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं अगर जुड़ गई हूँ प्रमिला जी, तो मैं उन्हें बता दूं कि आज ये दोनों जो सम्मानित अतिथि हैं उनके उनको पटल पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज की शाम का शुभारंभ हम कर रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय ममता किरण जी से कि वो आज की इस शाम का शुभारंभ करते हुए कविता पाठ करें। जी राजुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाशक मंच का। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इस पटल पर आमंत्रित किया, और आदरणीय प्रमिला भारती जी का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके गीतों की मैं फैन हूँ, और बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि आपको आना है उस पटल पर, तो ये था कि बिल्कुल जरूर आएंगे, लेकिन हर चीज का समय निर्धारित होता है, तो आज ही ये समय और ये दिन आज निर्धारित हो पाया। तो बहरहाल प्रमिला भारती जी जुड़ गई हैं, तो यदि तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। उनके गीतों की मैं फैन हूँ, बहुत मधुर स्वर में वो अपना काव्य पाठ करती हैं, और बराबर मैं उनसे संपर्क में हूँ, बीच बीच में फोन होता रहता है, बात होती रहती है। और मैं यहाँ देख रही हूँ हमारी पुष्पा कान्याल जी, जब भी कहीं कार्यक्रम होता है तो वो जुड़ जाती हैं, हमारी बहुत अच्छी सहेली जुड़ी हुई है यहाँ पर, और भी जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं उन सब का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और एक मैं मुसद्दस एक विधा होती है, मैं उससे शुरुआत करती हूँ कि कविता मेरे लिए क्या है, कि महज तुकबंदियों से ही तो बन जाती नहीं कविता, कि महज तुकबंदियों से ही तो बन जाती नहीं कविता, गहन पीड़ा बिना झेले कभी आती नहीं कविता, कि महज तुकबंदियों से ही तो बन जाती नहीं कविता, गहन पीड़ा बिना झेले कभी आती नहीं कविता, जगाती है नशे की नींद तो लाती नहीं कविता, कि जगाती है नशे की नींद तो लाती नहीं कविता, ना अंतर मन टटोले जो तो वो भाती नहीं कविता, कि ना अंतर मन टटोले जो तो वो भाती नहीं कविता, जो सच्चे शब्दों से बहता हुआ कविता का दरिया है, कि जो सच्चे शब्दों से बहता हुआ कविता का दरिया है, तो उसमें डूबने को हर कोई तैयार बैठा है, तो उसमें डूबने को हर कोई तैयार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पुष्पा कान्याल जी का कमेंट मिल गया, सुधा त्रिपाठी जी आपका भी स्वागत। और एक मुसद्दस और पढ़ती हूँ, और यूं है कि हमारे प्यार की दुनिया का एक वरदान हो बेटी, कि हमारे प्यार की दुनिया का एक वरदान हो बेटी, हमारे घर की रौनक हो हमारी जान हो बेटी, कि हमारे प्यार की दुनिया का एक वरदान हो बेटी, हमारे घर की रौनक हो हमारी जान हो बेटी, सफलता जब कहीं पाओ हमारी शान हो बेटी, कि सफलता जब कहीं पाओ हमारी शान हो बेटी, सभी रिश्ते तुम्ही से हैं हमारा मान हो बेटी, कि सभी रिश्ते तुम्ही से हैं, सभी रिश्ते तुम्ही से हैं हमारा मान हो बेटी, मगर बेटी कभी कोई, मगर बेटी कभी कोई कदम ऐसा उठाना मत, कि मगर बेटी कभी कोई कदम ऐसा उठाना मत, हमेशा ध्यान में रखना हमारा सर झुकाना मत, हमेशा ध्यान में रखना हमारा सर झुकाना मत। जी बहुत शुक्रिया। और विजय लक्ष्मी जी, श्रीवास्तव जी आपका शुक्रिया, और सुधा जी का उनका शुक्रिया, जो उनके भी कमेंट यहाँ आ रहे हैं, तो पुष्पा कान्याल जी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जी। सुधा जोगरान जी भी आ गई हैं। सुधा जोगरान जी सुधा जी देहरादून से हैं। अच्छा अच्छा और एक मिनट, ये
कमलेश कुमार दीवान जी, अरे नमस्कार, होशंगाबाद से आप जुड़े हुए हैं जी और बहुत अच्छा लगता है जब ये सब एक पूरा परिवार की तरह जब भी कार्यक्रम होता है हम सब इस तरह से मिल जाते हैं यहाँ पर, तो बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी कमलेश कुमार दीवान जी। जी लगता है उधर से कुछ वो म्यूट हो गया है या कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तब तो तक आप तो सुना दीजिए और बताओ। मैं तब तक एक कविता और सुना देती हूँ। और नदी के माध्यम से एक स्त्री का जीवन इसमें चित्रित किया है बिल्कुल, तो मैं ये पढ़ रही हूँ। स्त्री और नदी इस कविता का शीर्षक है कि स्त्री झांकती है नदी में, जी स्वागत। निहारती। जी, तो मैं एक कविता पढ़ रही हूँ और नदी के माध्यम से एक भारतीय स्त्री का जीवन यहाँ चित्रित कर रही हूँ। तो सुनिएगा कि स्त्री झांकती है नदी में, निहारती है अपना चेहरा, सवारती है माथे की टुकली, होठों की लाली, मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ियां, भर जाती है रौब से कि भर जाती है रौब से, मांगती है आशीष नदी से सदा बनी रहे सुहागन, कि मांगती है आशीष नदी से सदा बनी रहे सुहागन, अपने अंतिम समय अपने सागर के हाथों ही विलीन हो उसका समूचा अस्तित्व इस नदी में, कि अपने अंतिम समय अपने सागर के हाथों ही विलीन हो उसका समूचा अस्तित्व इस नदी में। स्त्री मांगती है नदी से सभ्यता के गुण, कि स्त्री मांगती है नदी से सभ्यता के गुण, वो सभ्यता जो उसके किनारे जन्मी पली बढ़ी और जीवित रही, कि वो सभ्यता जो उसके किनारे जन्मी पली बढ़ी और जीवित रही। स्त्री बसा लेना चाहती है समूचा का समूचा संसार नदी का अपने गहरे भीतर, कि स्त्री बसा लेना चाहती है समूचा का समूचा संसार नदी का अपने गहरे भीतर, जलाती है दीप आस्था के, कि जलाती है दीप आस्था के नदी में प्रवाहित कर, कि नदी में प्रवाहित कर करती है मंगल कामना सबके लिए और अपने लिए मांगती है सिर्फ नदी होना, और अपने लिए मांगती है सिर्फ नदी होना। तो ये मैंने एक कविता पढ़ी और इसके बाद मैं वाजपेयी जी से निवेदन करती हूँ कि जब तक वाजपेयी जी कुछ, अब आपकी बारी है और आप अपनी रचना यहाँ प्रस्तुत करें। जी, तो सबसे पहले तो इस पटल पर आमंत्रित करने के लिए मैं राजूला जी का आभारी हूँ और ममता जी ने काव्य पाठ की शुरुआत कर ही दी है। अब राजूला जी का शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम, वरना उनकी क्या योजना थी मुझे पता नहीं। तो मेरा रचना पाठ के लिए अब ममता जी का आदेश मिला है तो मैं सुनाता हूँ यहाँ से कि जी स्वागत। कविता की शाम है तो पहले कविता के लिए 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। और लेकिन उससे भी पहले जो लोग यहाँ जुड़े हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। कविता के लिए 4 पंक्तियां हैं, सुनिएगा। न कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है, न कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है, अंधेरों में ये खिड़की रोशनी की खोल क्या बात है, वाह वाह देती है, वाह। ये ताकत भी है कविता में अगर सचमुच वो कविता है, ये ताकत भी है कविता में अगर सचमुच वो कविता है, वो मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती है।
न कोई बोल जब पाए। तो ये मैंने एक मुक्तक आपसे साझा किया कविता बहुत के लिए। बहुत बढ़िया, वाह वाह, क्या बात है। धन्यवाद। तो अब आपने मुसद्दस सुनाए, एक मुसद्दस मैं भी सुना देता हूं, जी स्वागत। और बाकी जो जैसे ममता जी ने बताया कि मुसद्दस एक विलुप्त होती जो है विधा है, बहुत कम लोग लिख रहे हैं, और इसमें ये 6 पंक्तियों की विधा होती है जिसमें एक ही यानी कि बहर में 4 पंक्तियां एक ही काफ्य रद्दीप में, और फिर 2 पंक्तियां होती हैं मीटर, वही बहर वही रहती है, फिर वो काफ्य रद्दीप बदल जाते हैं। तो जी बहरहाल वो यूं है कि तुम ही हर वक्त समाई हो मेरी धड़कन में, तुम ही हर वक्त समाई हो मेरी धड़कन में, एक खुशबू हो मेरी जिंदगी के गुलशन में, एक खुशबू हो मेरी जिंदगी के गुलशन में, तुम की एक पहली सी सोंधी फुहार सावन में, तुम की क्या एक बात पहली है, सी सोंधी फुहार सावन में, तुम की एक तेज रोशनी सी मेरे आंगन में, फिर से इस धरती पे आऊं यही तमन्ना है, फिर से इस धरती पे आऊं यही तमन्ना है, फिर से मैं तुमको ही पाऊं यही तमन्ना है, फिर से क्या मैं बात है, क्या तुमको बात है, ही वाह वाह, पाऊं यही तमन्ना है। ये मैंने मुसद्दस आपसे साझा किया, क्या बात, बहुत खुश, और बहुत खुश। आपने स्त्री नदी की बात की, बहुत खूबसूरत कविता थी। मैं कुछ बड़े सादा से दोहे, लेकिन बात वही नारी सशक्तिकरण कहिए कि उसको बाधाएं क्या क्या है उसमें, मैं वो कुछ दोहे आपसे साझा करना चाहता हूँ। देखिए कहाँ कहाँ बाधाएं आती हैं, 3 तरह की बाधाएं इसमें। तो पहली बाधा जो है मानसिकता, तो मेरा दोहा है जो टेक्स्ट बुक वो राजुल जी परिचय में बता रहे थे कि मतलब बाल बच्चों की कविताओं से लेके विश्वविद्यालय स्तर तक अध्यापन, तो मैंने तो कभी अध्यापन नहीं किया, मुझे अध्यापन का सौभाग्य नहीं मिला, मेरा तो फील्ड दूसरी ब्रॉडकास्टिंग रही, मीडिया रहा, लेकिन हाँ ये अध्यापन मतलब ये पढ़ाई जाती है, टेक्स्ट बुक्स वगैरह में शामिल है, मैं उसकी बात कर रहा था। तो ये जो दोहा है ये हरियाणा की सेकेंडरी इसमें पाठ्यक्रम में शामिल है, सुनिएगा कि मानसिकता देखिए कि दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थक हार, कि दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थक हार, पत्नी ढूंढे केतली पति ढूंढे अखबार, कि क्या पत्नी बात, ढूंढे क्या केतली पति बात, ढूंढे अखबार। अब इस दोहे को अगर आज के संदर्भ में थोड़ा सच्चाई, पुराना दोहा हो गया बदलना चाहे तो यूं हो जाएगा कि दफ्तर से थक हार कर दोनों आए लौट, कि दफ्तर से थक हार कर दोनों आए लौट, और पत्नी ढूंढे केतली पति खोजता रिमोट। तो ऐसे इसको बिल्कुल। दो दोहे सुनिएगा। परंपरा, परंपरा भी बहुत बड़ी बाधा है। अभी मैं कल ही एक लाइव कर रहा था जिसमें मैं बता रहा था कि कल ही की अभी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जहां 155 देशों में, बड़ी शर्मनाक बात है, लेकिन भारत 140 नंबर पे है महिला पुरुष की बराबरी के मामले में। तो ये तो मैं दोहे सुनिएगा आप। परंपरा कि जी स्वागत। मैंने कन्यादान का छोड़ा अजब विधान, कि मैंने कन्यादान का छोड़ा अजब विधान, बेटी कोई वस्तु है कर दूं जिसका दान, कि बेटी कोई वस्तु है कर दूं जिसका दान। क्या बात है, क्या और बात है, परंपरा में एक दोहा ये है, एक चित्र है जो इस नारी सशक्तिकरण में बड़ी बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी बाधा है, हम सबको वो परिचित वो चित्र समझ में आ जाएगा। दोहा सुनिएगा कि करो कल्पना लोक में चित्रकार यूं सैर, कि करो कल्पना लोक में चित्रकार यूं सैर, विष्णु जी हों दापते लक्ष्मी जी के पैर, कि विष्णु जी क्या हों बात है, दापते लक्ष्मी जी के पैर। ये वाह परंपरा वाह वाह, और काश। आधुनिकता भी एक बाधा है। किस तरह बाधा है सुनिएगा। हमने सोचा था कि जब ये आधुनिकता में बहुत कुछ बराबर हो जाएगा, तो आधुनिकता में ये दो दोहे सुनिए, 2-3 दोहे ये हैं कि नारी भी इंसान है क्षमता लिए अपार, नारी भी इंसान है क्षमता लिए अपार, महज
वस्तुसा परि से पेश करे बाजार कि महज वस्तुसा परि से पेश करे बाजार और फैशन ग्लैमर नाम के जाल बिछे रंगीन कि फैशन ग्लैमर नाम के जाल बिछे रंगीन लक्ष्य एक हो किस तरह नारी वस्त्र विहीन कि लक्ष्य एक हो किस तरह नारी वस्त्र विहीन और करता तेरी देह का हर पल कारोबार दाढ़ी का ब्लेड है तो उसमें औरत का क्या काम भाई कि करता तेरी देह का हर पल कारोबार और नारी तेरी मुक्ति का दुश्मन ये बाजार कि नारी तेरी मुक्ति का दुश्मन ये बाजार। और एक दोहा और सुन लीजिएगा, हमारे देश में लड़कियों का पहनावा जो है बहुत बड़ी राष्ट्रीय गंभीर समस्या है, तो दोहा सुनिएगा कि तू अपनी गंदी नजर मोड़ सके तो मोड़, कि तू अपनी गंदी नजर मोड़ सके तो मोड़ और लड़की क्या पहने इसे लड़की पर ही छोड़, कि लड़की क्या पहने इसे लड़की पर ही छोड़। जी तो मैंने दोहे नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में प्रस्तुत किए, अब राजूला जी आ गई हैं तो वो जैसे चाहे क्रम आगे बढ़ाएं। जी या कुछ पूछना चाहें तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, और मैं क्षमा चाहती हूँ बीच में ये जिस डिवाइस से मैं थी उस डिवाइस पर कुछ अचानक समस्या आई, एकदम स्टैंड स्टिल हो गया था, हालांकि हम फोन पर बराबर सुनते जा रहे थे आप लोग को, और बहुत आपकी आभारी हूँ कि आप लोगों ने इसको निर्बाध रूप से चलते देने के लिए बराबर दोनों आप लोगों ने प्रयास किए, बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी हम आपके पास फिर से वापस लौट रहे हैं, एक बार ममता जी से अनुरोध करूंगी उनकी रचनाएं सुनने के लिए। जी चलिए, तो मैं रचनाएं प्रस्तुत करती हूँ और प्रमिला भारती जी का जो है वो कमेंट लगातार मिल रहे हैं और नमस्कार लिख रही हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ प्रमिला जी। और मैं एक कविता पढ़ रही हूँ और डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हमारी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका दमयंती जी, और आप स्वयं बहुत अच्छी रचनाकार हैं, जितने भी लोग यहाँ कमलेश कुमार दीवान जी हों तो वो भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, आप सब यहाँ समर्थ रचनाकार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और मैं एक कविता पढ़ रही हूँ, इसका शीर्षक है इंतजार। कि आज रविवार है फिर भी पूरे घर में पसरा है सन्नाटा, सोच रही थी बूढ़ी माँ। कि आज रविवार है फिर भी पूरे घर में पसरा है सन्नाटा, सोच रही थी बूढ़ी माँ। एक वो दिन थे जब रविवार का दिन आम दिनों से अलग होता था, हम पांच भाई बहन दिन भर साथ जो होते, झगड़ते तो दादी बाबा करते बीच बचाव, सप्ताह भर के कपड़े धुलते, कुछ ऐसा विशेष खाना बनता जो आम दिनों में ना बन पाता। हम बहनों के सर पर माँ सप्ताह भर के लिए तेल डालती, तेल डालने के साथ ही रोप देती हमारी सीमाएं, हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य। रिश्तेदारी में भी कोई ना कोई आही धमकता, जैसे आज बिन बताए आ धमकते हैं संदेशे मोबाइलों में। पर आज बेटा बहू और पोती के लिए कि पर आज बेटा बहू और पोती के लिए रविवार का मतलब है देर तक सोना, देर से नहाना, नेट पर चैटिंग, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर, खाना बाहर, घर में कुछ नहीं, सबसे दूर, अपने में व्यस्त। कि पर आज बेटा बहू और पोती के लिए रविवार का मतलब है देर तक सोना, देर से नहाना, नेट पर चैटिंग, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर, खाना बाहर, घर में कुछ नहीं, सबसे दूर, अपने में व्यस्त। पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार रविवार का, कि पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार रविवार का, कि रोज का सन्नाटा टूटेगा रविवार को, बेटा बहू साथ बैठेंगे, पोती उछल कूद करेगी खरगोश की तरह, पर इंतजार इंतजार ही रह जाता है, पर इंतजार इंतजार ही रह जाता है। जी बहुत धन्यवाद। तो ये कविता पढ़ी मैंने, और एक और कविता पढ़ती हूँ, और ये एक और कविता, मैं इसको पहली बार किसी पटल से पढ़ रही हूँ और अभी दिख गई है मुझे सामने मेरी डायरी में, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको सुना दूं। अरे इसका शीर्षक है कतार। कितनी हम तरक्की करते जा रहे हैं लेकिन कुछ है जो कि नहीं बदलता है, वहीं का वहीं वर्षों से चला आ रहा है। तो यहां से ये पढ़ रही हूं।
कि मंदिर के बाहर जी पुष्पा कन्याल जी धन्यवाद, और मैं पढ़ रही हूँ, अब इसका शीर्षक है कतार, कि मंदिर के बाहर भक्तों की कतार है, कि मंदिर के बाहर भक्तों की कतार है जो चढ़ाने आए हैं प्रसाद, अपनी मन्नत पूरी होने पर या फिर अपनी मन्नत के पूरा होने की कामना लिए भगवान को एडवांस प्रसाद चढ़ाने। कि मंदिर के बाहर भक्तों की कतार है जो चढ़ाने आए हैं प्रसाद, अपनी मन्नत पूरी होने पर या फिर अपनी मन्नत के पूरा होने की कामना लिए भगवान को एडवांस प्रसाद चढ़ाने। साथ ही एक कतार और है, कि साथ ही एक कतार और है मैले कुचले कपड़ों में पुरुषों महिलाओं और बच्चों की, जो फैला देते हैं अपनी झोली भक्तों को अपनी ओर आता देख, कि लोग उसमें डाल दे पैसा रुपया या फिर खाने का सामान। कभी कभी इस कतार में अफरा तफरी भी हो जाती है, कि कभी कभी इस कतार में अफरा तफरी भी हो जाती है, जैसे ही वे देखते हैं कि कोई बड़ा सेठ बांटने आया है कुछ खैरात। डंडा फटकार कर पुलिस वाला उन्हें फिर कतारबद्ध करता है, कि डंडा फटकार कर पुलिस वाला उन्हें फिर कतारबद्ध करता है। दोनों दृश्य मन में गुत्थम गुत्था होते हैं। एकदम से ख्याल आता है कि एकदम से ख्याल आता है कि क्या इन मैले कुचले कपड़े पहनने वालों की नहीं होती कोई मन्नत। कि एकदम से ख्याल आता है कि क्या इन मैले कुचले कपड़े पहनने वालों की नहीं होती कोई मन्नत। यदि होती है तो फिर ईश्वर इनकी मन्नत क्यों नहीं पूरी करता। कि यदि होती है तो फिर ईश्वर इनकी मन्नत पूरी क्यों नहीं करता। क्या वो नहीं चाहता कि ये लोग भी उसे चढ़ाए प्रसाद। कि क्या वो क्या नहीं चाहता कि ये लोग भी उसे चढ़ाए प्रसाद। बात वर्षों से देख रही हूँ, कि वर्षों से देख रही हूँ वही कतार वही चेहरे, कतार जो अब और बढ़ गई है, कि कतार जो अब और बढ़ गई है, चेहरे जो और बुढ़ा गए हैं और उनमें जुड़ गए हैं कितने ही और नए चेहरे, और उनमें जुड़ गए हैं कितने ही और नए चेहरे। जी राम, बहुत जी बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कांतिलाल करगटना जी हैं हमारे साथ। जी आप विविध भारती में, मेरा इनसे जो परिचय है वो इस तरह से है कि विविध भारती के एक बहुत ही ज्यादा प्रबुद्ध श्रोता हैं, और साहित्य से, अच्छा संगीत से, कलाओं से बहुत जुड़े हुए हैं। जी तो जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कांतिलाल जी, आपका भी। जी कांतिलाल जी की प्रतिक्रिया मैं पढ़ रही हूँ, बहुत धन्यवाद आपका और बहुत स्वागत आपका। आदरणीय वाजपेयी जी से मैं निवेदन कर रही हूँ कि वो रचना पाठ करें। जी, तो ममता जी ने मंदिर से रचना उठाई, ममता जी के पदचिह्नों पर चलते हुए मैं भी मंदिर से रचना उठाता हूँ। एक अच्छा रचना का शीर्षक है दर्शन। जी जी, छंदमुक्त कविता है, सुनिएगा। कि पुजारी ने नियत कर रखा है कि भगवान कब कब दें भक्तों को दर्शन। कि क्या बात, पुजारी ने तय कर रखा है कि भगवान कब कब भक्तों को दें दर्शन। लगा दी है समय बताती तख्ती, कि लगा दी है समय सूचित करती हुई तख्ती। बहुत सीमित समय है भगवान के पास, बहुत सीमित समय है भगवान के पास। दरअसल निजी व्यस्तताएं बहुत है भगवान जी की, दरअसल निजी व्यस्तताएं बहुत है भगवान जी की। क्योंकि पुजारी ने तय कर रखा है, क्योंकि पुजारी ने तय कर रखा है कि अमुक समय पर भगवान करें भोजन, कि अमुक समय पर भगवान करें भोजन, कि अमुक समय पर भगवान करें विश्राम, कि अमुक समय पर भगवान बदले अपने वस्त्र, कि अमुक समय पर भगवान करें शयन, कि अमुक समय पर भगवान करें शयन। पुजारी का भगवान एक सांसारिक प्राणी है, कि पुजारी का भगवान, पुजारी का भगवान, कि पुजारी का भगवान एक सांसारिक प्राणी है। अपनी ही भूख, अपनी ही भूख
थकान और निद्रा से त्रस्त, अपने ही भूख थकान और निद्रा से त्रस्त, न कि हर समय हर किसी के लिए हर स्थान पर उपस्थित करुणा में भक्त वत्सल, न कि हर समय हर किसी के लिए हर स्थान पर मौजूद करुणा में भक्त वत्सल, करुणा में भक्त वत्सल। ये दर्शन कविता थी मेरी। जी 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 जी। तो मेरे ख्याल से अब जी राजुल जी बताइए क्या करना है इसके बाद। जी जी आपसे आप और रचना पाठ करें, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं आप लोगों से कह रही हूँ। मैंने सिर्फ एक क्रम ये इसलिए बांटा हुआ था कि कई बार ऐसा होता है कि एक एक ही रचना सुनते सुनते मतलब एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद फिर पहला, तो वो थोड़ा सा एक चेंज ओवर रहता है, इसलिए ये था। ऐसे आप लोगों को जो सुविधा हो प्लीज आप लोग उस तरह से पढ़े, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है बार बार ये बोलना। आपके होने से और अच्छा लग रहा है और आपके बोलने से भी अच्छा लग रहा है। जी जी बिल्कुल। कोई आपको सवाल करना हो, कुछ हो, जो भी कोई प्रतिक्रिया देनी हो, आप स्वयं कविताएं लिखते हैं तो आप भी साझा करिए। जी बिल्कुल। तो फिर एक गीत मैं आपको सुना। जी जी राजू जी, मैं ये कह रही थी कि आज इस पटल से मैं ये बात कह रही हूँ कि हम ये प्रकाशक पर एक कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम होता है रूबरू, और रूबरू हमारा काफी इलेबोरेटेड प्रोग्राम होता है। उसमें हम बकायदा सारी रचनाओं को भी इकट्ठा करते हैं, आपके आसपास के लोगों के जो बातें होती हैं उनको भी, थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं आपसे जुड़े हुए उनको भी। तो दरअसल मेरा वही करने का मन था, लेकिन फिर ये तय पाया गया कि एक बार आप लोगों को ऐसे हम आमंत्रित कर लें और उसके बाद फिर हम रूबरू करें आप दोनों का अलग अलग, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। वो इंटरव्यू वाली जो वो चीज है वो तो आप लोगों के लिए हमें एक बार पूरी तैयारी के साथ करनी है। अब आप मैं क्षमा चाहती हूँ, बेकार में मैंने देर तक आप जी जी नहीं नहीं सुनाइए वाजपेयी जी, आप सुनाइए एक रचना सुनाइए उसके बाद। जरूर जरूर जी जी, ये गजल आप सुनिएगा जी। कि वो सुनहले दिन के वादे हो गए बेकार क्या, कि वो सुनहले दिन के बाद वादे हो गए बेकार क्या, और मुल्क में सबको नहीं जीने का भी अधिकार क्या, कि मुल्क में सबको नहीं जीने का भी अधिकार क्या। और शेर ये है कि एक तो किरदार उसका, एक तो किरदार उसका, उस पे ये मेरी अना, कि एक तो किरदार उसका और उस पे ये मेरी अना, मुझसे हो पाएगी अब ऐसे की जय जयकार क्या, कि मुझसे अब हो पाएगी ऐसे की जय जयकार क्या। और शेर ये है कि जैसे शहरों की नकल करने लगे हैं गांव अब, जैसे शहरों की नकल करने लगे हैं गांव अब, ये समूचा मुल्क ही बन जाएगा बाजार क्या, ये समूचा मुल्क ही बन जाएगा बाजार क्या। और एक शेर देखिए यहाँ पर कि रात दिन बस घर गृहस्थी में ही खटना उम्र भर, कि रात दिन बस घर गृहस्थी में ही खटना रात भर, माँ के हिस्से में भी आएगा कोई इतवार क्या, कि माँ के हिस्से में भी आएगा कोई इतवार क्या। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और शेर ये है कि इतनी खामोशी तो सचमुच ही डराती है बहुत, इतनी खामोशी तो सचमुच ही डराती है बहुत, तुमको भी लगते नहीं तूफान के आसार क्या, कि तुमको भी लगते नहीं तूफान के आसार क्या। और एक शेर ये कि पूछता रहता हूं बस ये प्रश्न अपने आप से, पूछता रहता हूं बस ये प्रश्न अपने आप से, ये समूची जिंदगी ही जाएगी बेकार क्या, कि ये समूची जिंदगी जाएगी बेकार क्या। और जी बहुत शुक्रिया। और शेर ये है कि दोस्त हैं हम तुम तो फिर इतना तकल्लुफ किस लिए, भाई दोस्त हैं हम तुम तो फिर इतना तकल्लुफ किस लिए, फर्ज था मैंने निभाया शुक्रिया आभार क्या,
कि फर्ज वाह था, वाह, मैंने निभाया, क्या शुक्रिया, बात है, क्या आभार क्या, प्रपोजल बात है, का जी बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर ये है कि वो सवेरा जिसका बरसों से है सबको इंतजार, वो सवेरा, देखिए चुनाव चल रहे हैं अभी भी, कि वो सवेरा जिसका बरसों से है सबको इंतजार, रहनुमा सचमुच बता इस बार आ जाएगा इस बार क्या, कि रहनुमा सच सच क्या बता आ जाएगा इस बात बार क्या, कि वो सवेरा जिसका बरसों से है सबको इंतजार, रहनुमा सच सच बता आ जाएगा इस बार क्या, कि वो सुनहरे दिन के वादे हो गए बेकार क्या, कि मुल्क में सबको नहीं जीने का भी अधिकार क्या, कि मुल्क क्या में बात सबको है, नहीं जीने का भी अधिकार क्या। वाह तो ममता जी अब आप गजल जी सुना सुनाए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि मुझे मेरा मन ये कर रहा है कि मैं भी बाकायदा बैठकर और सिर्फ अपने कमेंट्स के माध्यम से ही आप लोगों से बात करूं। नहीं नहीं आप रहिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं आप रहिए, अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। और इसमें हाँ, मैं गजल से पहले एक रचना सुना रही, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ अलग अलग तरह की रचनाएं मैं यहाँ पढ़ूं। और एक रचना मैं सुना रही हूँ, और पत्थर के माध्यम से आज का जो समय है, आज के घरों की जो स्थितियां हैं, मैं वो कविता यहाँ सुना रही हूँ पहले। तो ये सुनिएगा कि घर से पैदल स्कूल जाते हुए, ये सब हम बहुत बचपन में हम लोग, मतलब मैं तो करती थी और बाकियों का तो पता नहीं, तो वो भी शायद करते होंगे, ये खेल सा हुआ करता था। तो जी पुष्पा जी सुनिएगा ये कविता, आपने नहीं सुनी है अभी शायद। तो घर से पैदल स्कूल जाते हुए अक्सर ही रास्ते में पड़े किसी छोटे से पत्थर को बना लेती अपना साथी, कि घर से पैदल स्कूल जाते हुए अक्सर ही रास्ते में पड़े किसी छोटे से पत्थर के टुकड़े को बना लेती अपना साथी, और उसे पांव के अंगूठे से उछालते हुए कब पहुंच जाती स्कूल पता ही नहीं चलता। बड़ी हुई पढ़े सुने लैला मजनू के किस्से, ये भी कि मजनू को पत्थरों से मार मार कर मार डाला, डर बैठा ऐसा जो कैद हो राजकुमारी की जान जंगल के राक्षस के पास। ब्याह हुआ और जब कभी दाल में निकल आता छोटा सा पत्थर, तो पूरा घर सर पर उठा लिया जाता ऐसे जैसे कड़कती हो बिजली आसमान से। फिर पूछती पत्थर के देवता को, याद आ जाता किस्सा कि अहिल याद आ जाता किस्सा जो दादी बुआ को सुनाती, कि अहिल्या को उनके पति ने श्राप दे कर दिया था पत्थर। घर बना और जब जड़ गए उसमें खूबसूरत पत्थर, तो लगा मिल रहा हो उलाहना कि अब मारती रहो इन्हीं पत्थरों पर अपना सर। क्या बात, पर ये लगा ही नहीं सच, घर में पत्थर क्या जड़े, सबके दिल ही हो गए पत्थर के। पसर गई पूरे घर में एक औपचारिकता जैसे होता हो कोई सरकारी समारोह। घर ही क्या मोहल्ले का भी, जी शुक्रिया, घर ही क्या मोहल्ले का भी तो यही आलम है, एक दूसरे की बगल से गुजर जाते हैं ऐसे जैसे बुत बने हो पत्थर के। क्या बात, इंसान ही नहीं शब्द भी, पहले जो मार करते थे तीर की तरह अब पड़े रहते हैं पत्थर से। इंसान ही नहीं शब्द भी, पहले जो मार करते थे तीर की तरह अब पड़े रहते हैं पत्थर से। धीरे धीरे घिरता जा रहा है अंधेरा चौतरफा, कि धीरे धीरे घिरता जा रहा है अंधेरा चौतरफा, और आम आदमी बस देख रहा है पत्थर की तरह, और आम आदमी बस देख रहा है पत्थर की तरह। बहुत 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 शुक्रिया। और कुछ दोहे सुनाती हूँ ताकि मैं एक गजल सुना सकूं, तो दोहे पढ़ती हूँ। और यहाँ से दोहे पढ़ती हूँ कि जी कमलेश कुमार दीवान जी, जी बहुत धन्यवाद आपका, और ये प्रतिक्रिया आपकी मुझे दिखाई पड़ रही है, पढ़ रही हूँ। और दमयंती जी बहुत धन्यवाद, विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद, आप सब इस तरह से कविता सुन रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और तो मैं ये पढ़ रही हूँ दोहे, चार पांच दोहे पढ़ती हूँ, सुनिएगा।
कि बच्चों को पर क्या मिले, छोड़ गए वो साथ। कि बच्चों को पर क्या मिले, छोड़ गए वो साथ, दीवारें ही बच गईं। कि दीवारें ही बच गईं जिनसे कर लो बात। वाह, कि दीवारें ही बच गईं जिनसे कर लो जिनसे कर लो बात। बात। हाँ जी। और बच्चे परदेसी हुए सूने घर संसार। कि बच्चे परदेसी हुए सूने घर संसार, इंटरनेट पर ही मने, कि इंटरनेट पर ही मने अब सारे त्योहार। जी शुक्रिया। और एक दोहा ये भी पढ़ती हूँ कि विज्ञापन में, हमारे घरों से तो ये दूर होता जा रहा है, कि विज्ञापन में छा रहा रिश्तों का जो जाल। कि विज्ञापन में छा रहा रिश्तों का जो जाल, जीवन में आ जाए तो हो जीवन खुशहाल। क्या कि बात जीवन में आ जाए तो हो जीवन खुशहाल। और है, बहुत बहने सुंदर। दो रोको नहीं आंखों से ये नीर। कि बहने दो रोको नहीं आंखों से ये नीर, कुछ हल्की हो जाएगी, कि कुछ हल्की हो जाएगी मन की भारी पीर। कि कुछ बहुत हल्की हो जाएगी मन की बहुत भारी सुंदर, पीर। बहुत सुंदर। और ये हाँ अलग रंग का दोहा एक और, कि वश में करने जब उसे काम न आए मंत्र। कि वश में करने जब उसे काम न आए मंत्र, है गवाह इतिहास तब, कि है गवाह इतिहास तब रचा गया षड्यंत्र। सुनिए, है गया हाँ गवाह इतिहास तब रचा गया षड्यंत्र। जी बहुत दमयंती जी, सुंदर। धन्यवाद, आपको दोहे पसंद आए। और एक गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ, और ये गजल गाई है, एक एल्बम में भी है, और शकील अहमद जी ने गाई है इसको, तो ये मैं पढ़ रही हूँ। कि है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे। कि है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। कि है मुझको यकीन होगा उजाला वो गाँव मेरे आगे। और चला गया। बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ। और अमिता दुबे जी जुड़ी हुई है, अरे वाह वाह, बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत और तो ये पढ़ रही थी है गजल अमिता जी, जी, स्वागत बिल्कुल। बहुत और बहुत। कि है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। और बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ। कि बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे। एक वाह आस में बैठा है वाह परिंदा वाह मेरे आगे। वाह, जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जब जब भी सरे अर्श दिखा कोई सितारा, कि जब जब भी सरे अर्श दिखा कोई सितारा, उभरा है कोई नक्श पिता का मेरे आगे। बहुत 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 शुक्रिया। कि सुंदर, जब जब भी सरे अर्श दिखा कोई सितारा, सितारा। उभरा है कोई नक्श पिता का मेरे आगे। और आजकल के वाह, दौर का शेर, कि लगता है मेरी हार पर वो खुश तो बहुत है। कि लगता है मेरी हार पर वो खुश तो बहुत खुश है, तो बहुत। करता है मगर दुख का दिखावा मेरे आगे। शुक्रिया। कि करता है मगर दुख का दिखावा मेरे आगे। और एक उम्र गुजारी थी बड़ी शान से जिसने, कि एक उम्र गुजारी थी बड़ी शान से जिसने, लाचार पड़ा है वही तनहा मेरे आगे। कि लाचार पड़ा है वही तनहा मेरे आगे। और शेर पढ़ती हूँ, कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ। कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ, जरा बोल अदब से। कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ, जरा बोल अदब से, अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे। वाह, शुक्रिया। कि अच्छा नहीं है ये तेरा
लहजा मेरे आगे है, दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे है, मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। जी बहुत 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 धन्यवाद। और अब वाजपेयी जी कुछ गजल सुनाए। नहीं, यहाँ चूंकि डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हैं तो मैं, कमलेश कुमार दीवान जी हैं और पुष्पा कान्याल जी हैं जी, तो इसलिए मैं कुछ माहिया सुनाता हूँ जी। हाँ बिल्कुल सुनाइए। माहिया जो है हमारी मिट्टी का छंद है, बहुत छोटा सा, 12-10-12 मात्रा वाला, और हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह, तो ये बहुत प्यारा सा छंद है, इसको टप्पा भी बोलते हैं। तो मैं सुनाता हूँ कि कहता है ये कोरोना, कहता है ये कोरोना, कुदरत के आगे है आदमी तू बोना, क्या कुदरत बात है, वाह के वाह, आगे है वेरी ट्रू। आदमी तू बोना। और ये हमने जब ये वैक्सीन वैक्सीन का जिक्र चल रहा था, केस घटने लगे, लगा कोरोना चला गया, लेकिन वो कोरोना के चचेरे भाई, कजिन, नाती पोते, पता नहीं, भतीजे भांजे सब आ पड़े हैं। तो फिर एक नया दौर सिलसिला शुरू हो गया, सुनिएगा कि राक्षस है ये कोरोना, राक्षस है ये कोरोना, दौर कठिन लेकिन तुम धीरज मत खोना, दौर क्या बात है, कठिन लेकिन तुम धीरज मत खोना। ये तो सामयिक कुछ होता है तो प्रतिक्रिया होती है। मेरा लेख माहिया सुनिएगा, ये कुछ टूटे सपने हैं, कुछ टूटे सपने हैं, कुछ धुंधली यादें, कुछ धुंधली यादें, बस ये ही अपने हैं, कुछ धुंधली यादें, बस ये ही अपने हैं। और एक माहिया ये कि दुनिया ही बदल जाए, दुनिया ही बदल जाए, यदि हर कोई ही इंसान में ढल जाए, यदि हर कोई इंसान में ढल जाए। और चारागर यानी कि जो इलाज करने वाला या दवा करने वाला डॉक्टर, अब विडंबना देखिए हमारे देश की, कि चारागर जब आए, चारागर जब आए, राहत की छोड़ो कुछ दर्द बढ़ा जाए, राहत की छोड़ो कुछ दर्द बढ़ा जाए। एक माया ये है कि गिरगिट भी दहलता है, गिरगिट भी दहलता है, पल भर में मानो क्या रंग बदलता है, वाह वाह वाह, पल भर में मानो क्या रंग बदलता है। और इस पटल पे भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इतना प्यार, इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन मिलता है, विडंबना ये कि परिवारों से नहीं मिल रहा है, जो अपने परिवार के लोग हैं, ऐसा विचित्र समय है, लेकिन इतना प्यार मिलता है सबसे। तो एक माहिया सुनिएगा उन्हीं सब के लिए जो हमें, जिनसे हमें प्यार मिलता है, कि विश्वास रखो मेरा, विश्वास रखो मेरा, जिंदा हूं जिससे वो प्यार है बस तेरा, जिंदा वो प्यार है बस तेरा। बहुत सारे माही, आखिरी माहिया मैं सुनाता हूं, और बस एक दो माही और, कि लो साफ दिखा है सब, लो साफ दिखा है सब, तुम कुछ मत बोलो चेहरे पे लिखा है सब, तुम कुछ मत बोलो चेहरे पे लिखा है सब। और आखिरी माहिया सुनेगा,
दुनिया का कोई ऐसा कवि नहीं होगा जो जिंदगी पे कुछ ना कुछ ना कहे, सिर्फ ये छोटा सा माहिया कि जीवन एक लोरी है, वाह वाह वाह, जीवन एक लोरी है, झूला हाँ सपनों का, झूला सपनों का, ओ वक्त की डोरी है, क्या बात है, क्या झूला बात है, क्या बात है, सपनों बहुत का, बहुत ओ बहुत वक्त की बहुत डोरी है। सुंदर, वाह वाह जी वाह, बहुत जी मैंने एक माहिया माहिया सुंदर, सुनाए, और बस एक छोटा सा पद सुनाता हूं मैं आपको। पद जो है कोई 500 साल पहले, अरे तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, ये लोग लिखा करते थे। पद बड़ी प्यारी विधा है, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि हम बहुत सारी विधाएं जो मर रही, खत्म हो रही हैं, उनको बचाया जाए, ये एक एक अभियान है। तो ये पद सुनिएगा, एक बिल्कुल ये व्यंग का पद है, अभी होली भी ज्यादा दूर नहीं गई है, तो सुनिएगा। कि साधो अजब जमाना आया, साधो अजब जमाना आया। अब आज के दौर के चित्र देखिएगा कि विधवा बूढ़ी माँ को बेटा, विधवा बूढ़ी माँ को बेटा, खुद वृद्धाश्रम लाया। साधो अजब क्या बात है, जमाना आया, साधो अजब जमाना आया। अब बचपन में हम सब यही सुनते थे कि बादल बरसते हैं, अब क्या होता है कि बरसा नहीं फटा है बादल, बरसा नहीं फटा है बादल, खूब कहर बरसाया। वाह वाह साधो वाह, अजब जमाना आया, साधो अजब जमाना आया। और शेर ये है, देखिए फिर अभी चुनाव चल रहे हैं, कि अपराधी मंत्री बन जाते, क्या बात अपराधी है, वाह मंत्री बन जाते, वोट तंत्र की माया। साधो अजब जमाना आया। और ये दृश्य बिल्कुल आंखों देखा हुआ। और तो और जब भुवनेश्वर जाते हैं तो इतनी विशाल जो पाट वाली नदी है वहां का, वो वहां से ये मुझे पंक्ति मिली थी कि बड़ी बड़ी नदियों में हमको, बड़ी बड़ी नदियों में हमको पानी नजर ना आया। क्या बात है, साधो अजब वाह जमाना आया। वाह वाह, पंक्ति ये कि शहरों में, अब देखिए चौपाया तो आपने सुना होगा, चौपाया जी, पुष्पा जी आप भी ध्यान से सुनिएगा कि बड़े बड़े, हाँ शहर, हाँ ये सुनिएगा कि शहरों में मनुष्य को खोजा, शहरों में मनुष्य को खोजा, मिला सिर्फ दो पाया। साधो शहरों में मनुष्य को खोजा, मिला सिर्फ दो पाया, साधो अजब जमाना आया। और अंतिम है कि लोकतंत्र का सूर्य जहां था, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कि लोकतंत्र का सूर्य जहां था, लोकतंत्र का सूर्य जहां था, बड़ा अंधेरा पाया। साधो अजब जमाना आया, क्या बात है, क्या बात साधो अजब जमाना आया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब राजूला जी, ममता जी से भी अच्छा अच्छा तो मुझे तो लगा कि अभी ममता जी से एक मैं जानती हूँ, इस समय 57 हो गया है और हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, जी, तो जी, जी, मैं जी। ममता जी से निवेदन करूंगी, ममता जी एक रचना और उसके बाद फिर वाजपेयी जी से एक और रचना सुनने के बाद जी जी ठीक है, कर देंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो बस मैं ये गजल सुना देती हूँ और तरन्नुम में ये गजल सुना देती हूँ, और आज का जो समय है उसको अपने जहन में रखिए और ये वाली गजल सुनिए, हो सकता है दमयंती जी की शायद सुनी भी हुई हो, पर बहुत सारे लोग यहाँ नए पटल पर जुड़े हुए हैं तो मैं ये पढ़ती हूँ, सुनिएगा।
हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो वहां से ये मैंने मतलब इस गजल का पढ़ रही हूँ कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते, बहुत बहुत कुछ अच्छा। ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं साया नहीं करते। करते। वाह वाह, जी बहुत शुक्रिया। अरे शेर सुनिएगा कि वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, ये दौर की आईना गवारा नहीं करते, ये वाह वाह, दौर बहुत की जी खूब बहुत शुक्रिया खूब, बहुत जी बहुत अच्छा। शुक्रिया कि ये दौर की आईना गवारा नहीं करते। और शेर सुनिए कि खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते, मुरझाते हुए जी बहुत शुक्रिया कि मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। और शेर पढ़ रही हूँ सुनिएगा कि सावन में हमारे घरों में आज क्या, मीनू त्रिपाठी जी, जी बहुत शुक्रिया आपका, आप स्वयं कविताएं भी लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं, कर्नल त्रिपाठी जी भी जुड़े होंगे, कई बार उनका नेटवर्क की समस्या आती है, तो मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ, दोनों पति पत्नी लिखते हैं, तो अरे बहुत शुक्रिया वाह, आपका जुड़ने का। जी, तो मैं शेर पढ़ रही हूँ और क्या स्थिति है आजकल, तो वहां तक पहुंचेगा कि सावन में कभी डाले थे जिन पेड़ों पे झूले, वाजपेयी जी अभी बात कर रहे थे कि सावन में कभी डाले थे जिन पेड़ों पे झूले, उन पेड़ों को बेदर्दी से काटा नहीं करते। क्या बात है, क्या बात, बहुत वाह शुक्रिया, बहुत वाह वाह शुक्रिया जी कि सावन में कभी डाले थे जिन पेड़ों पे झूले, सावन में कभी डाले थे जिन पेड़ों पे झूले, उन पेड़ों को बेदर्दी से काटा नहीं करते। और देखिए बहुत से लोग होते हैं कि हमेशा शिकायतें ही करते मिल जाते हैं, तो वहां उनके लिए पढ़ रही हूँ कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते, हर वाह वक्त जी बहुत शुक्रिया कि हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। और शेर तो ऐसे बहुत सारे हैं, और ये छोड़ते हुए कुछ दो तीन शेर और पढ़ती हूँ, और ये बिल्कुल अलग रंग का शेर ये वाला कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, जी, तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं वाह करते। वाह 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 जी वाह, बहुत शुक्रिया बहुत कि बहुत सरहद बहुत, जी बहुत शुक्रिया कि सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते। और फिर एक अलग रंग का शेर कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते, अब वाह वाह कौन। वाह वाह जी वाह बहुत वाह, शुक्रिया कि बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया कि अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते। और अब फिर मक्ता पढ़ रही हूँ, और ये बिल्कुल और अलग रंग का कि चोरों के किरण, मैं नाम नहीं ले रही, आप सब समझेंगे कि चोरों के किरण ठाठ है इस दौर में देखो, चोरों के किरण ठाठ है इस दौर में देखो, उन
मौके के लिए रात को ताका नहीं करते। मौके के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये चोरों के किरण ठाठ है इस दौर में देखो, चोरों के किरण ठाठ है इस दौर में देखो, मौके के लिए रात को ताका नहीं करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कुछ ऐसे शजर भी है जो साया नहीं करते, कुछ ऐसे शजर भी है जो साया नहीं करते। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर श्याम। और मैं आदरणीय वाजपेयी जी की तरफ फिर से आ रही हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूँ, खालिद फतेहपुरी साहब हैं इस समय लखनऊ से हमारे साथ, बड़े अच्छे शायर हैं। और जी जी बहुत बहुत जी शुक्रिया जी खालिद बहुत साहब। शुक्रिया। और एक चीज और आप लोगों से कहनी थी कि आप दोनों आदरणीयों से, ममता जी तो शायद है ही प्रकाशक में, और अगर आदरणीय वाजपेयी जी ने लाइक ना किया हो, और हमारे साथ यहाँ पर जितने ये सुनने वाले जितने प्रबुद्ध श्रोतागण हमारे साथ, जो साहित्यकार ही हैं, जो एक बिल्कुल है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अगर प्रकाशक को लाइक नहीं किया हुआ है तो कृपया लाइक कर लें, क्योंकि फिर ऐसे मुझे आगे से संपर्क करने में आसानी रहती है और बिल्कुल मैं आसानी से संपर्क कर पाती हूँ। मेरे पास सबके नंबर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और जिन सूत्रों से मुझे ममता जी का नंबर मिला, वो सूत्र कभी कभी अच्छी तरह से दे देते हैं, और कभी कभी वो ऐसे उसमें रहते हैं कि वो दे नहीं पाते हैं। कई कई बार बिल्कुल कुछ कुछ नंबर ऐसे दे देते हैं कि आप समझ रहे होंगे मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, बिल्कुल तो कई बार ऐसे मैं नंबर दे देते हैं कि मुझे मतलब मिलाती रहती हूँ और बात नहीं हो पाती। तो आप सबसे अनुरोध है, मैं चाहूंगी जरूर से कि आप लोग पटल से, आदरणीय वाजपेयी जी और ममता आपकी जी तो जुड़ी गए हैं जी। जी, तो मैं आप ही की बात में एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि वही बात है कि आजकल का समय कैसा हो गया है कि यदि आपने किसी से नंबर, मैं भी घर में एक दिन यही बात कर रही थी कि यदि हमने किसी से किसी का नंबर मांगा तो उसको नंबर देने में इतनी परेशानी हो जाती है कि जैसे हम उससे वो नंबर दे देंगे और हम उस संपर्क से पता नहीं क्या हासिल कर लेंगे। तो ये एक अजीब सी स्थिति हो गई है आजकल। और हालांकि नंबर तो आखिरकार जिसको चाहिए वो कहीं ना कहीं से ले ही लेगा, जहां चाह वहां राह वाली बात है। लेकिन ये जो एक जिसको कहते हैं ना कनिंगनेस और क्या जो भी इसको शब्द दो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कहां एक दूसरे की सब मदद करते थे, कहां एक दूसरे का हाथ थाम के हम आगे बढ़ते थे, एक दूसरे का साथ पाकर के आगे बढ़ते थे, और कहां अब ऐसा हो गया है कि बस आपको नंबर तक गलत आपको दे देंगे, रास्ता गलत बता देंगे, है ना। तो ये सारी स्थितियां हैं आजकल। तो जितने हम सब जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कम से कम मतलब ये सब तो है ही, लेकिन जो और जिनके अंदर ये वो है कि वो इस तरह से दे करके सोचते हैं कि उन्होंने बड़ा वो कर लिया, तो उनके लिए मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि कुछ तो इंसानियत रखें और नंबर सही दें आपके पास है तो। जी वाजपेयी जी, खालिद साहब कह रहे हैं कि वो कह देते हैं कि जानते नहीं है, नंबर नहीं है हमारे हाँ पास, ये भी ऐसा हो सही जाता बात है। है, सही कह रहे हैं। वो ये भी कह देते हैं कि वो जानते नहीं, उनकी तो बात ही नहीं हुई बहुत अरसे से, या वो खो गया नंबर। बिल्कुल जी वैसे ममता जी, आपका नंबर प्रमिला जी ने मुझे दिया था, और मेरी बात मैंने कई बार ट्राई किया, सोचा, और आदरणीय वाजपेयी जी और आपकी दोनों की प्रमिला जी बहुत बड़ी प्रशंसिका है, और वो हमेशा मुझसे यही बात कहती रही कि दोनों बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और लेकिन बहुत बेटा व्यस्त रहते हैं, तो आप देख कर जरा उनको फोन करिएगा। तो हमने कहा नहीं, हाँ मैं जरूर उनका हम बहुत सम्मान करती हूँ, मैं तो बहुत उनका सम्मान करती हूँ और उनकी बहुत प्रशंसिका हूँ। और ऐसे भी होता है, मैं हर 10-15 दिन में उन्हें एक बार कॉल जरूर करती हूँ कि उनसे बात होता है। आपके जरिए मैं वाजपेयी जी से भी हमें नंबर उनका मिल गया, मम्मी से मांग प्रमिला जी से मांगने की हिम्मत नहीं थी हमारी, क्योंकि वो हमको पहले ही बहुत ताकीद कर चुकी थी, तो जी आदरणीय वाजपेयी जी का भी नंबर मिल गया। और यही मेरा अनुरोध रहेगा कि यहाँ पर पटल पर जितने लोग भी जुड़े हैं वो कृपया प्रकाशक को लाइक कर लेंगे तो मैं मैसेंजर के जरिए उनसे जुड़ सकूंगी, या फिर जी आदरणीय ममता जी से ही मैं
ले लूंगी उनका नंबर जैसे भी बिल्कुल होगा बिल्कुल पर आ बिल्कुल सकती। और अब आदरणीय वाजपेयी जी से अनुरोध है कि आज की इस शाम को समापन करें। जी। अव्वल तो किसी को अभी दुर्भाग्य से मेरा एक फोन जो था वो क्रैश कर गया, नहीं पूरा वो काला स्क्रीन हो गया, और उसमें मतलब मेरे पास तो कम से कम 3,000 के आसपास नंबर थे, और नंबर किन के, आप सोचिए, मैं मीडिया का आदमी हूँ तो सारे दिग्गज भारत भर के, तो वो इत्तेफाक हो गया, वरना किसी का भी नंबर आप मुझसे लीजिए, सचिन तेंदुलकर के लेके सुनील गावस्कर जिसका चाहिए मुझसे ले लीजिए, कोई बात नहीं। जी, तो बड़ा नुकसान मैं होता है। समापन की तरफ आता हूँ। जी, जी और एक गजल सिर्फ सुनाऊंगा, उससे पहले कुछ, चूंकि ममता जी ने दर मैंने दोहे सुनाए वो महिला सशक्तिकरण वाले थे, लेकिन कुछ गंभीर दोहे, दो चार वैसे सुन लीजिए। पहला दोहा ये है कि कल गुड फ्राइडे था, तो दोहा ये है कि ईसा को सूली मिली। बिल्कुल ताजा दोहा है, एक मिनट में भूलने लगा कि हाँ, ईसा को सूली मिली विष पीते सुकरात, क्या बात ईसा है। को सूली मिली और विष पीते सुकरात, गांधी को गोली मिली, समझ ना आती बात, क्या ईसा बात है, को सूली मिली विष पीते क्या सुकरात, बात है, और गांधी को क्या गोली मिली, समझ ना आती बात। और क्या एक बात है। दोहा ये, जी एक दोहा ये कि दगा दे गई जिंदगी कैसे हो निर्वाह, कि दगा दे गई जिंदगी कैसे हो निर्वाह, चुपके चुपके कर लिया दुख से जाकर ब्याह, क्या बात है, दगा वाह दे गई वाह वाह जिंदगी वाह वाह कैसे वाह, हो निर्वाह, बहुत चुपके चुपके कर लिया दुख से जाकर ब्याह। और एक दोहा ये सुनिएगा कि पिंजरा जब खोला गया कुछ बरसों के बाद, कि पिंजरा जब खोला गया कुछ बरसों के बाद, उड़ लेता था वो कभी उसे नहीं था याद, कि उड़ क्या लेता था वो बात कभी उसे है, नहीं क्या था बात, याद। क्या बात है, और बहुत खूब जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। एक दोहा ये, जो लाखों लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं कि ये मन के विश्वास हैं या है मन के रोग, ये मन के विश्वास हैं या है मन के रोग, क्या क्या भ्रम पाले हुए उम्र गवाते लोग, कि क्या 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 बात है, भ्रम क्या पाले बात, हुए उम्र वाह गवाते वाह वाह लोग। वाह, बहुत लेकिन बहुत अंतिम बहुत दोहा सुनाता हूं, और बहुत शक्ति हमारे भीतर है, वो यूं कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान, कि प्राण क्या बात है, प्रतिष्ठा जब वाह करें वाह उसमें कुछ इंसान। वाह वाह और वाह भी वाह बहुत आभार। और अंत में वाह ये वाह गजल के 4-5 शेर और बस समापन, वो गजल यूं है कि पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से, पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से, पैगाम कोई आया है चंदा की ओर से, पैगाम क्या बात है, क्या बात है, क्या कोई बात है, क्या बात है, आया है वाह चंदा की ओर से। और वाह एक शेर ये कि बरसों हुए मिला था अचानक कभी कहीं, अब तक बरसों हुए मिला था अचानक कभी कहीं, अब तक बंधा हुआ है जो यादों की डोर वाह से, वाह अब वाह 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 वाह, तक बहुत बंधा खूब बहुत खूब हुआ बहुत है खूब, जो वाह यादों वाह की वाह डोर से। क्या बात है, और क्या बात जी है, बहुत वाह शुक्रिया। वाह और ये शेर मैंने नरीमन पॉइंट मुंबई से उठाया था, सुनिएगा कि मुझको तो सिर्फ उसकी खामोशी का था पता, मुझको तो सिर्फ उसकी खामोशी का था पता, हैरान पास आके समुंदर के शोर से, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हैरान पास बहुत खूब बहुत खूब आके समुंदर
समुंदर के शोर से। बहुत शुक्रिया। और आज के दौर का एक शेर, मैं चौंकता हूं जब भी नजर आए है कोई, मैं चौंकता हूं जब भी नजर आए है कोई, इस दौर में भी हंसते हुए जोर जोर से, क्या बात है, वाह इस वाह वाह दौर में वाह भी हंसते वाह हुए वाह जोर जोर से। वाह और बगल का वाह आखिरी शेर, ये क्या हुआ है उम्र के अंतिम पड़ाव पर, ये क्या हुआ है उम्र के अंतिम पड़ाव पर, माजी को देखता हूँ, माजी को देखता हूँ मैं बचपन के छोर से, क्या बात है, वाह 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 ये क्या वाह हुआ है उम्र वाह के अंतिम वाह पड़ाव पर, माजी को देखता हूँ मैं बचपन के वाह छोर वाह से, पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से, पैगाम कोई आकी ओर क्या से। बात है, वाह वाह और बहुत बहुत बस मैं प्रमिला जी के लिए, ममता जी ने कई बार कहा, प्रमिला जी हमारे समय की शीर्षस्थ गीतकारों में हैं, और बहुत खुशी की बात है कि उनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान अभी मिला, साहित्य भूषण जी, बहुत समझौता मिला है। तो बहुत हम सब बधाई। बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है। पूरे मतलब कविता का जो परिवार है, गीतों गीतकारों का परिवार है, उन सब की तरफ से ये बहुत सारी बधाइयां, धन्यवाद जी। राधा बहुत बहुत भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये शाम बहुत खास मेरे लिए रही। मैं बीमार हूँ वैसे आज तरह से, अरे लेकिन क्या जिस जिस चीज का हुआ, जोर है वही चल रहा है यहाँ पर भी। ओह माय गॉड, लेकिन ये हुआ कि किसी तरह से इस मनस्थिति से निकलना, और इस मनस्थिति से निकलने के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हमको वो चाहिए था, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें एकदम से देखते देखते, और ये वो ही होता है कि ईश्वर हर चीज का जी समय और जरूरत नियत करके रखते हैं। तो उन्होंने वो बिल्कुल हमारी जरूरत के लिए खास समय नियत करके रखा था, और इसीलिए आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जल्दी से सा हमें आज यहाँ पर मिला। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ ये समय गुजार के, बहुत अच्छा आप लगा। स्वस्थ हो जल्दी और से, हम ये कामना करते हैं, जी और बिल्कुल बिल्कुल, सब उन्हीं कुछ की ठीक ठाक कामना रहे, है। और बस। और इसी और तरह से आप लगे भी रहिए, उस तरफ ध्यान ही मत दीजिए, उसको सर पे ही मत हाँ चढ़ाइए। जी, तो आज बहुत आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक गुजारिश है आप लोगों से कि अगर ठीक समझे तो इसको प्रकाशक में वेबसाइट के लिए भेज दीजिएगा, कृपया ठीक है, वर्ड फाइल में, जरूर तो हम इसको पोस्ट कर लेंगे। हमारे प्रकाशक में भी आपकी रचनाएं हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। आप लोग तो बहुत जगह छपते जरूर रहते हो, तो जी वो एक एडेड वो हो जाएगा। और मैं रूबरू के लिए खास तौर से आप लोगों के मतलब उस इच्छुक थी मैं सबसे ज्यादा, लेकिन आज की ये शाम भी चलिए रूबरू की तरफ एक कदम ही हुआ, तो अच्छा है ये कि जी छोटे से चलिए हमने शुरुआत कर ली है तो बड़े तक पहुंच भी जी जाएंगे। और फिर आप सभी का जी बहुत बहुत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, कितना कीमती बहुत वक्त निकाला। और धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी भी, अभी मैंने देखा कि वो जुड़ गए थे, और खाली साहब लगातार जी जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का, जितने भी लोग जुड़े रहे, पुष्पा जी, खान्याल जी, और दमयंती जी, और कमलेश कुमार दीवान जी, और जितने भी और लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ, जितना देख पा रही हूँ बस वही मुझे पता चल रहा है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जी सबका और अभिनंदन, प्रकाशक का भी, सबका प्रकाशक का भी बहुत बहुत धन्यवाद, राजल जी आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल धन्यवाद ना छोटे कहें, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। अच्छा, बहुत बहुत जी आपकी आभारी हूँ और अदरणीय वाजपेयी जी की आभारी हूँ। अच्छा, अब आज की शाम को यहीं पर विराम देते हैं। जी शुभ संध्या, जी शुभ संध्या। नमस्कार।